हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड प्रोटेक्टिव मेजर्स। ठीक है, तो ये हमने जो नया टॉपिक स्टार्ट किया है ये हमारा जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ये जो हमारा सिलेबस है एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन। ठीक है, तो उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है कंट्रोलिंग एनवायरमेंट पॉल्यूशन। ठीक है, एंड ओवरव्यू। तो देखिए, सबसे पहले जब भी हम अपने आसपास देखते हैं, चीज़ें देखते हैं, अपना इन्वायरमेंट देखते हैं, अपनी सराउंडिंग्स देखते हैं, तब हमें पता लगता है कि कितने ज़्यादा पॉल्यूशन हमारे सराउंडिंग में है, हमारे इन्वायरमेंट में है, और हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, उसको कम नहीं कर रहे हैं बल्कि उसे और बढ़ा रहे हैं। क्योंकि जो भी पर्सन है आजकल, कोशिश तो यही है कि कैसे भी करके वो सराउंडिंग जो है, हमारे जो एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूशन फ्री रहे। इसके लिए कोशिशें भी हो रही हैं, पर अभी ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया कि पॉल्यूशन कम हो, क्योंकि इतने ज़्यादा व्हीकल्स हो गए हैं, जो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं वो सभी क्या कर रहे हैं, पॉल्यूशन और ज़्यादा फैला रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उसको कंट्रोल करना है। तो हम कंट्रोल मेजर्स क्या क्या कर सकते हैं और पॉल्यूशन एग्जैक्टली कैसे पॉल्यूशन से बच सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं तो देखिए, क्या एनवायरनमेंट पॉल्यूशन जो है वो क्या क्या का, किस किस चीज़ का प्रोसेस है, एयर का, वाटर का, अर्थ का, ये क्या ये सब कंटामिनेटेड हो चुके हैं अब मैन मेड वेस्ट के कारण। ठीक है, इससे हमारे ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज भी हो रहे हैं, ओजोन लेयर जो है वो भी इफ़ेक्ट हो रही है। ठीक है, एयर पॉल्यूशन की वजह से जो हमारे पार्टिकल्स हैं, एटमॉस्फेयर है, वो सारा इफ़ेक्ट हो रहा है। ठीक है, वाटर पॉल्यूशन की वजह से हम लोग नीट एंड क्लीन वाटर नहीं ले पा रहे हैं, नहीं पी पा रहे हैं। सॉइल पॉल्यूशंस भी हो रहे हैं अभी, जिसकी वजह से क्या आगे चल के जो भी वेजिटेबल्स ग्रो कर रहे हैं या हम फार्मिंग कर रहे हैं उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए तो इतने ज़्यादा पॉल्यूशंस हो रखे हैं अभी कि उनसे उनके लिए जो भी सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं पर वो नहीं काम कर पा रहे हैं अभी। क्यों? क्योंकि लोग उन पर इन्फ्लुएंस कर ही नहीं रहे हैं, उनको अपनी लाइफ में यूज़ करें, जैसे कि पॉल्यूशन फ्री व्हीकल्स करें, व्हीकल्स जो हैं लेस पॉल्यूशन हो जिनसे कि, है ना, वाटर पॉल्यूशन ना करें, पर अभी ऐसा नहीं हो पाया है अभी तक। ठीक है, तो ये क्या जो भी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन प्रोसेस है वो क्या है, एयर, वाटर, अर्थ, ठीक है, सॉइल, इतने सारे जो पॉल्यूशन है वो सारे मैनमेड वेस्ट की वजह से क्या इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो देखिए, जैसे कि एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, नॉइस पॉल्यूशन हो गया, ठीक है, सॉइल कंटामिनेशन हो गया, रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन हो गए, थर्मल पॉल्यूशन, विजुअल पॉल्यूशन, ऐसे बहुत सारे पॉल्यूशन, पर हम मेनली किसकी बात करेंगे, ऊपर के तीन पॉल्यूशन की, जो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा देखने को और सुनने को मिलते हैं, क्योंकि मेनली यही रीजंस है। ठीक है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन। ठीक है, तो इससे हो क्या रहा है, ये जो पॉल्यूशन है इससे हमारी जो भी इन्वायरमेंट है वो इफ़ेक्ट तो हो ही रही है, साथ में हम लोग भी इससे इफ़ेक्टेड हो रहे हैं कहीं ना कहीं। इतना पॉल्यूशन अभी हो गया है कि हम लोगों को फ्रेश एयर भी नहीं मिल पाती है, जो भी ऑक्सीजन हमें मिल रहा है वो सारा पॉल्यूटेड ऑक्सीजन ही होता है। तो अगर हम अपनी कोशिश करें, हर पर्सन अगर कोशिश करे इसको लेस करने का, तो वो हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया अभी कि ये सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय कर रहा है, ये जो पॉल्यूशन है वो सभी कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा, तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें बचाना है अपनी सारी चीज़ों को। जैसे कि सॉइल हमें क्यों बचाना है, क्यों उससे पॉल्यूट नहीं होता है, क्योंकि कल्टीवेशन हम कैसे करेंगे, कैसे कल्टीवेट करेंगे चीज़ें, कैसे फार्मिंग करेंगे। एयर अगर पॉल्यूट इतनी होती जाएगी आगे तो हम कैसे सांस लेंगे, वाटर अगर हो जाएगा तो हम क्या पियेंगे, है ना। तो इस तरीके से हमें ये सारी चीज़ें क्या है, इनको पॉल्यूशन फ्री रखना है कैसे ना कैसे भी करके। ठीक है, तो जैसे कि अभी तक इतनी सारी चीज़ें आई हुई हैं पॉल्यूशन को और रिड्यूस करने के लिए, पॉल्यूशन को लेस करने के लिए, पर अभी तक क्या है वो चीज़ें यूज़ भी हो रही हैं पर अभी पॉल्यूशन लेस नहीं हुआ है, पॉल्यूशन जो है वो कम नहीं हुआ है। तो हमें आगे यही सारे स्टेप्स लेने हैं कि हम जो पॉल्यूशन है उसे लेस कर सके। ठीक है, तो सर्वाइवल जो है अभी इन्वायरमेंट का वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुका है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे वो बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुके हैं। ठीक है, कुछ मतलब मेंटेन ही नहीं है कि जो भी हम
मैन मेड सारे के सारे पॉल्यूशंस हैं, और ठीक है जो कि हमारे क्लाइमेट पे भी इफेक्ट कर रहे हैं, हमारे ग्लोबल वार्मिंग पे भी इफेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम अगर ऐसे ही सब चलता रहा तो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमको अभी क्या करना है, ये 7 आवर्स का हमें यूज़ करना है। 7 आवर्स क्या कहते हैं, सबसे पहले देखिए सारी चीज़ें लिखी हैं, रिसोर्सेस रिप्लेस रिड्यूस रिलेबल रिपेयर रीयूज रिसाइकल। ठीक है, हमें जो भी चीज़ें हैं उसे हम रिप्लेस करें रिड्यूस करें, है ना, रिसाइकल करें, तो इससे क्या होगा, पॉल्यूशन भी कम से कम रहेगा। ठीक है, तो कोशिश करें कि हम ये 7 आवर्स को अपनी लाइफ में लाएं, ठीक है, और उनके थ्रू उनकी हेल्प से हम ये पॉल्यूशन कम करने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये अभी तो आपका फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है जिसमें हमने जाना कि पॉल्यूशन कौन 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 से पॉल्यूशन हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, और हम उन पर क्या काम कर सकते हैं। हम 7 आवर्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 7 आवर्स को कैसे यूज़ करना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी कि ये एग्जैक्टली होता क्या है, रिसोर्स रिप्लेस रिड्यूस ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा चैप्टर फर्स्ट शुरू हुआ है अभी, कंट्रोलिंग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, तो उसमें क्या है, आपको इंट्रोडक्शन बताया पॉल्यूशन का और थोड़ा सा उसका प्रिवेंशन भी बताया कि कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं, बाकी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन बता दिया उसमें आपको कि आप किस किस तरीके के पॉल्यूशंस के टाइप्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट हम ये चैप्टर जो है इसके सारे टॉपिक वाइज पढ़ेंगे इसमें पॉल्यूशन में कि हम किस तरीके से पॉल्यूशन फ्री अपना स्टेप्स ले सकते हैं जिससे कि पॉल्यूशन फ्री हम अपना एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें। एनवायरनमेंट अगर क्रिएट पॉल्यूशन फ्री क्रिएट होता है तो ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आजकल की जो भी टाइम है वो इतना पॉल्यूटेड है, इतना पॉल्यूटेड है कि हमें ऑक्सीजन तक नहीं पॉल्यूशन फ्री मिल रहा, और फिर जो भी पानी हम पी रहे हैं ऑब्वियसली उसमें वो भी पॉल्यूशन पॉल्यूटेड ही है, है ना। तो पॉल्यूशन जो भी है सारी चीज़ें आजकल पॉल्यूटेड हो चुकी हैं, तो कुछ भी फ्रेश मिलना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो अगर हम अभी से स्टार्ट करें और कोशिश करें अपने एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन फ्री बनाने की, तो वो हो सकता है। तो इसके आगे हम यही बात करेंगे कि हमारे ग्लोबल वार्मिंग पे इस पर क्या इम्पैक्ट अभी पड़ रहा है और फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो अभी तो आज मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया है पॉल्यूशन का कि एनवायरनमेंट और पॉल्यूशन के बारे में। सो थैंक यू।